हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। जिनके रोम रोम में बसते हैं श्री राम, जिनके पास है हर समस्या का समाधान और देवता भी जिनका करते हैं गुणगान, आज हम बात करेंगे उन्हीं वीर हनुमान की। महाबली हनुमान की महिमा ही कुछ ऐसी है कि उनके नाम मात्र से हर समस्या हल हो जाती है। बजरंग बली की आराधना से हर बिगड़ा काम बन जाता है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकट मोचन की कृपा से सारे संकट टल जाते हैं। तो चलिए वीर हनुमान का नाम लेकर निकलते हैं धर्म के सफर पर। मंगल मूरति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर देवता भी करते हैं जिनका गुणगान। जिनसे मिलता है भक्तों को वरदान। तीनों लोक तेरा उजियारा, मुसीबत में जब फंसता है इंसान। काज सवारा तीनों लोक सहायता करते हैं महाबली हनुमान। हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, कोई आपका साथ दे या ना दे, बजरंग बली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। हनुमान जी डर, शत्रु, सूर्य और शनि पीड़ा के अलावा शिक्षा हासिल करने में आ रही परेशानियों को भी दूर कर देते हैं। बजरंगी के पास हर समस्या का हल है। हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप हनुमान जी की कृपा हासिल कर सकते हैं और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बजरंगी कैसे बन जाते हैं आपकी मुश्किलों का हल। सबसे पहले आपको बताते हैं घरेलू समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को पीपल के पत्ते पर हनुमते नमः लिखें। पत्ते को हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर परेशानी बड़ी हो तो एक साल तक नियमित पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी को नारियल भेंट करें, फिर उसे घर ले आए और कलश में स्थापित करें। रोज कलश की पूजा करें और उस पर सिंदूर का तिलक करें। दुर्गम काज बनावन। अगर किसी कारणवश आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, सफलता आपसे दूर हो गई है, तो भी हनुमान जी का वरदान आपको तरक्की दिला सकता है। मंगलवार को हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल अर्पित करें। हनुमान जी को लाल कपड़े में लपेटकर सिंदूर, चमेली का तेल भी भेंट करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको उन्नति मिलेगी। बजरंग बली आपके दुखों का पल भर में नाश कर देते हैं। बजरंगी की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। तो अगर आपको धन से संबंधित समस्या आ रही है तो आप इसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को घर में राम दरबार स्थापित करें। पीपल के 11 पत्तों पर राम राम लिखें, भगवान का ध्यान करें और अपने मन की बात कहें। मंगलवार को सूर्यास्त के बाद पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें, इससे आपकी धन से जुड़ी समस्या दूर होगी। महाबली हनुमान की पूजा से हर समस्या का समाधान होता है। अगर आपको बुरी नजर ने परेशान कर रखा है या फिर दुश्मनों से डर सता रहा है तो भी राम भक्त हनुमान की पूजा आपके लिए लाभकारी होगी। शरण पड़ेगा। हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को तिलक करें। हनुमान जी का तिलक अपने कान के पीछे लगाएं। हनुमान जी के तिलक से ही घर की चौखट पर राम राम लिखें। इस उपाय को हर मंगलवार को करें तो लाभ होगा। हे महावीर करो कल्याण। आइए अब जानते हैं कि दुश्मनों को शांत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तीनों लोक तेरा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी को गदा भेंट करें। ओम हन हनुमते नमः का 108 बार जाप करके गदा की प्राण प्रतिष्ठा करें। ये कार्य शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करें। रात 9 बजे से 11 बजे के बीच ये कार्य करें।
इसके बाद गदा अपने पास रखें। शत्रु कभी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, ये गदा चांदी का ना हो। दुश्मन नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अपमान की जड़ गले में पहने। रक्त चंदन की माला से ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट मंत्र का जाप करें। कृपा निधान मंगल मूर्ति राम दुलारे। इन उपायों के जरिए आप हनुमान जी की कृपा जल्दी हासिल कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की आराधना से कैसे मिलती है शनि की पीड़ा से मुक्ति। हे महावीर करो कल्याण। अजर अमर है वीर हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके सारे कष्ट संकट मोचन हर लेते हैं। वो महावीर भी हैं और हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आपको शनि से संबंधित कोई भी समस्या है तो बजरंग बली की आराधना से आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि बजरंग बली की आराधना से कैसे मिलती है शनि पीड़ा से मुक्ति। समय लियो तब भक्तों की पुकार सुनते हैं वीर हनुमान। ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो। दुखियों के तारणहार हैं वीर हनुमान। आने करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपी। जब महाबली हनुमान देंगे वरदान हर समस्या का होगा समाधान। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई विरोधी परेशान करता है तो कभी घर के किसी सदस्य को बीमारी घेर लेती है। कभी नौकरी और रोजगार में मंदी आ जाती है तो कभी बना बनाया काम ही बिगड़ जाता है। इसके अलावा भी जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा ही रहता है और ये सब होता है शनि के प्रभाव से। ऐसे में हनुमान जी की आराधना करना ही सबसे श्रेष्ठ है। शनि के प्रकोप से जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कुंडली में शनि की पीड़ा क्या समस्याएं ला सकती हैं। रोजगार और आय प्राप्ति में समस्याएं आती हैं। आर्थिक बाधाएं लगातार परेशान करती हैं। सेहत की परेशानी बनी रहती है, खास तौर पर स्नायु तंत्र और हड्डियों की समस्या होती है। कभी कभी गंभीर दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष बढ़ जाता है। शनि की टेढ़ी नजर पड़ते ही जीवन में ये समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन वीर हनुमान की उपासना और आराधना से देखते ही देखते ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शनि को शांत करने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सहज और कल्याणकारी उपाय भी हैं जिनसे हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। आइए आपको बताते हैं वो मंगलकारी उपाय। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हों। इस चित्र के सामने घी के 9 दीपक जलाएं। हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान राम का स्मरण करें। हर रोज इस चित्र का दर्शन करके ही दिन की शुरुआत करें। शत्रुओं और शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए बजरंग बली की उपासना खास मानी जाती है। यदि आप भी शनि की ऐसी किसी समस्या से घिर गए हैं तो करें संकट मोचन हनुमान का ध्यान। हम आपको कुछ और कल्याणकारी उपाय बता रहे हैं जिनसे संकट मोचन हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए महाबली हनुमान के मंगलमय उपाय। हनुमान जी की मूर्ति को साफ करके सिंदूर से तिलक करें। हनुमान जी की मूर्ति पर इत्र और सुपारी रखें। वानर सेना के साथ खड़े हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। लाल आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ओम हन आंजनाय नमः का 2 घंटे तक जाप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी की आरती उतारें और प्रसाद चढ़ाएं। अंत में हनुमान बाहु का पाठ करें। हनुमान जी के दर्शन और पूजा आराधना करने के बाद जो भी काम आप करेंगे बजरंग बली की कृपा से वो काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएंगे। फिर चाहे शनि दोष से बाधा आ रही हो या फिर
दूसरे किसी ग्रह का प्रकोप हो। महाबली हनुमान के आशीर्वाद से हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। आगे हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा से कैसे होता है दुखों का। आप देखते रहिए धर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं महाबली हनुमान की महिमा, जिनके पास आपकी हर समस्या का समाधान मौजूद है। राम भक्त हनुमान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, हर मुश्किल का हल मिल जाता है उनकी आराधना से। तो चलिए आपको बताते हैं हनुमान चालीसा के पाठ से कैसे होता है कष्टों का निवारण। बिगड़ रही हो बने बनाए काम, नहीं मिल रहा हो जीवन में आराम, हनुमान चालीसा के पाठ से होगा हर समस्या का समाधान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही जीवन की ज्यादातर परेशानियों का हल निकल आता है। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि हनुमान चालीसा के कुछ खास प्रयोग अगर किए जाए तो खास परेशानियों का हल भी निकाला जा सकता है। चलिए आपको हनुमान चालीसा के विशेष प्रयोगों के बारे में बताते हैं। विशेष लाभ के लिए लाल अक्षरों में लिखी हुई हनुमान चालीसा पढ़ें। मुकदमे और विवादों से छुटकारे के लिए संकल्प लेकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल की समस्याओं से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा बांटें। एक पीले कागज पर लाल रंग से हनुमान चालीसा लिखें। इसे हमेशा अपने पास रखें। हर तरह की मुश्किलों से सुरक्षित रहेंगे। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं कि हनुमान चालीसा का सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप अगर देखना चाहते हैं तो उसका पाठ सुबह सूर्य की रोशनी में करें। हनुमान जी को हनुमान चालीसा के माध्यम से उनकी शक्तियाँ उन्हें याद दिलाई जाती हैं और इसके बाद वो अपने भक्तों की रक्षा में हर वक्त तत्पर रहते हैं। धर्म के आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत कि कल आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।